मेरी ताइक्वांडो जर्नी की शुरुआत हुई थी 2011 में, जब मैं हमारे गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी, समर कैंप लग रहा था। तो फिर मैं ऐसी स्टेडियम में घूमने गई थी देखने के लिए कि कुछ मुझे कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करना था। तो फिर मैंने देखा वहां पर मार्शल आर्ट्स हो रहे थे, और मुझे बचपन से मार्शल आर्ट्स काफी पसंद था। मैं जैकी चैन की मूवीज देखती थी, ब्रूस ली की मूवीज देखती थी, मुझे बहुत पसंद था, लड़ाई वड़ाई बहुत पसंद थी। तो फिर मैंने वहां पर देखा तो मुझे पसंद आया कि मैं भी मार्शल आर्ट्स करूंगी, ताइक्वांडो करूंगी। फिर धीरे धीरे ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे किया, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा करना। फिर मैंने आगे इसी में वो इंटरेस्ट बढ़ गया करते करते। वो वैसे मेरा दूसरा इंटरनेशनल मेडल था, पर इंडिया के बाहर वो मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल था। और वहां पे जब मैं गया था तो फिर थोड़े नर्वस तो था, पर बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि इंडिया से बाहर खेलने को मिल रहा है। और वहां पे जो मेरा क्वार्टर फाइनल मैच था, वहाँ उसमें मेरा गोल्डन पॉइंट हुआ था, मतलब कि हम दोनों के स्कोर थर्ड राउंड तक सेम सेम थे। और लास्ट के जब गोल्डन पॉइंट हुआ तो लास्ट में बिल्कुल 0.62 सेकेंड बचे थे जब जब मेरा गोल्डन पॉइंट कनेक्ट हुआ। और बिल्कुल मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जबकि मेरा इंडिया इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मेडल आया है। सबसे बड़ा चैलेंज था ट्रेवल करने का। पहले मैं अप डाउन करती थी घर से, तो फिर मुझे छतरपुर ट्रेवल करके जाना पड़ता था। पहले हमारी एकेडमी छतरपुर में थी, तो फिर फरीदाबाद से लगभग 2.5 घंटे 2.5 या 3 घंटे हमें ट्रेवल करके जाना पड़ता था मेट्रो से। और रात को हम जब हमारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम रात को कभी कभी 12 बजे पहुंचते थे, तो फिर ये काफी बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। और पेरेंट्स भी कभी कभी अलाउड नहीं करते थे कि इतनी रात हो जाती है, तो वो भी काफी गुस्सा करते थे कि बहुत लेट हो जाता है, मत जाया करो, छोड़ दो। तो वो भी काफी चिंता करते थे हमारी कि इतनी लेट आ रही है, कुछ हो जाए, लड़की वैसे ऐसे सोचते थे। सक्सेसफुल बनने के लिए मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिजिकली फिट हो, आपके पास सब कुछ है, आप फिजिकली फिट हो और आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, पर अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, आप अगर मेंटली डिस्टर्ब हो, तो फिर आप उसके लिए अपने गेम के लिए माइंड सेट ही नहीं कर पाओगे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपका माइंड सेट है वो चीज करने के लिए। तो सबसे स्पेशल अचीवमेंट मेरा वही सबसे पहला इंटरनेशनल मेडल था, इंडिया ओपन, जहां से फिर मेरी मेडल्स की शुरुआत हुई। सबसे पहला इंटरनेशनल मैंने वही खेला, और उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी होने लगी। उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस और डेवलप हो गया। अगर मैं शॉर्ट टर्म गोल्स में बोलूं, तो फिर अभी मेरा जो भी इंटरनेशनल आ रहे हैं, अभी इंटरनेशनल ओपन अभी 1-2 महीने के बाद, तो फिर और नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर अभी एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, तो फिर उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और लॉन्ग टर्म गोल्स में जो 2024 ओलंपिक्स है, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ।